आज मैं आपको अस्तर ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। देखिए, ये मैंने ब्लाउज पीस ले रखा है और ये मैंने अस्तर ले रखा है। इसका नाप है सीना है 36 इंच, कमर है 31, लंबाई 13.5 इंच, गला आगे से 6.5, पीछे से 8 इंच, बाजू 5 इंच की, मोहरी इसकी 5.5 इंच की है। अब हम जो कटिंग करेंगे पहले अस्तर में करेंगे। मैं इस ब्लाउज पीस को हटा देती हूँ। अब इसे खोल के हम इसमें निशान लगाएंगे। देखिए, इसको इस तरह से जो चौड़ाई लेंगे मोड़ना है। हमारी चेस्ट है उसका चौथा, जैसे 9 इंच है उसमें 2.5 इंच प्लस करके 11.5 इंच के करीब हम निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अब हम ब्लाउज का बैक पार्ट निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई इसकी हमारी 13.5 इंच की है। हम उसमें 2 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम तीरा लेंगे। तीरा हम 5.5 इंच का लेंगे क्योंकि इसका बैक गला थोड़ा बड़ा है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हम थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए 6 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 36, उसका चौथा 9 इंच, 9 इंच पे निशान लगाएंगे। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। इसी तरह हम कमर पे भी नीचे निशान लगा लेंगे। कमर की फिटिंग हमारी प्लेटों से आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे लाइन बना देंगे। यहाँ लाइन बनाने के बाद अब हम ऊपर यहाँ आर्महोल पे गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग होगी। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे अच्छे से सेट करके रख ले। ये जो हमने हुक आई की पट्टी लगाने के लिए जगह छोड़ी है। इसकी कटिंग करने के बाद देखिए, ये मेरा बैक पार्ट है, ये हमारा ये फ्रंट पार्ट है, दो निकल आए हैं। अब जो यहाँ से हमारे ये बंद है, इसमें यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के आर्महोल की भी कटिंग कर देंगे। देखिए, इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब हम दोनों पार्टों को एक संग रख के, इस तरह एकदम बिल्कुल एक संग रख के गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम ये 2.5 इंच लेंगे, जो हमारे बैक पार्ट है यहाँ से हमें ये 2.5 इंच पे निशान लगाना है। गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच है, आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगी तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट के निशान लगाएंगे। बैक पार्ट हमारा 8 इंच का है, इसमें हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये थोड़ा सा हमें आगे की तरफ निकालते हुए, थोड़ा टेढ़ा करते हुए हमें लाइन बनानी है। अब हम इसमें सेप देंगे। सेप देने के बाद अब इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम छोटे वाले गले की कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के गले की हो गई है। अब हम बैक गले की कर देंगे। इस तरह से हमें ये शेप देनी है। अब यहाँ से हम प्लेटों का निशान लगाएंगे। यहाँ 4.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। निशान बना के अब लाइन बना लेंगे। ऊपर से हमें 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी निशान बना लेंगे। ये देखिए, ये हल्का हल्का दिख रहा है, इसको हम इस तरह से लाइन बना के गहरा कर देंगे। अब हम फ्रंट भाग की प्लेटें बनाएंगे। यहाँ से हमें ये 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से भी 4 इंच पे निशान लगा लें और इसकी ऐसे लाइन बना लें। अब हम कंधे से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम दोनों जगह 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, 2.25 पे यहाँ पे निशान लगाना है और 2.25 पे ही यहाँ पे लगाना है। यहाँ से हमें हल्का टेढ़ा करते हुए लाइन बना दें। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा लें और फिर इसमें ऐसे लाइन बना दें।
अब यहाँ से ऊपर से भी ये पौने 2 इंच पे निशान लगा दें। अब ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ा करते हुए ले जाएं, देखिए इस तरह से बिल्कुल तिरछे करके ऐसे ले जाएं। इसे निशान बनाने के बाद देखिए इस तरह निशान बनाएं। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान बनाएंगे। इसी तरह हम इसको थपथपा देंगे। अब ये हमारे दूसरी तरफ भी निशान आ गए हैं। अब इन निशानों को गहरा कर देंगे। ये मैंने दोनों पाठों पे निशान लग गए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए पहले हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इसकी 4 तह लगाएंगे। देखिए इस तरह फोल्ड करके हमें इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई हमारी इसकी कम आ रही है और हमें चाहिए 9 इंच। अब हम इसको खोलेंगे। देखिए इस तरह से खोल के हमें ऐसे मोड़ेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं। देखिए ये हमारी 9 इंच की आ गई है। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई हमारी 5 इंच की है। 1 इंच का उसमें हम मार्जिन देंगे तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। 6 इंच पे ही इधर की तरफ निशान लगा के हम लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम चेस्ट का 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसके गोलाई में शेप देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मोहरी इसकी 5.5 इंच की है। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर लाइन बना देंगे। इसी तरह 2 इंच के करीब हमें मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बीच में से भी कटिंग कर देंगे। अब देखिए जितना हमारा ये कपड़ा कम पड़ रहा है अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह रखते हुए हमें इसके नाप का रखना है या ऐसे ऊपर से रखते हुए इसके बराबर का काट लेंगे। 1/2 इंच हमें सिलाई के लिए रखना है। फिर इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह के हम इसको ऐसे रखते हुए हैं। यहाँ पे हम ऐसे सिलाई करेंगे। पहले हम ये बीच में से काट लें। अब जो आर्महोल के जो है हम कटिंग करेंगे वो हम इसको कपड़े को जोड़ने के बाद करेंगे। यहाँ मैं ऐसे सिर से निशान लगा देती हूँ। से निशान लगाने के बाद इसे सिलने के बाद अब हम पट्टी निकालेंगे कर देंगे। अस्तर में से हम खाली हुक के लिए पट्टी निकालेंगे। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें कटिंग कर देनी है। ये मैंने हुक के लिए पट्टी निकाल ली है। अब हम ब्लाउज पीस लेंगे। सबसे पहले हम इसमें से ये बॉर्डर निकाल लेंगे। देखिए मैंने ये बॉर्डर को निकाल दिया है। इसको इस तरह डबल में फोल्ड कर देंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद अब हम सबसे पहले ब्लाउज का बैक पार्ट रखेंगे। ये हमें फोल्ड साइड की तरफ से ऐसे रखना है। फिर यहाँ की तरफ हमें ये फ्रंट पार्ट को रखना है। देखिए इस तरह से रख के हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इसी तरह हमें इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब देखिए इसमें बाजू की कटिंग डबल करके हमें रखना है। देखिए पहले इस पार्ट को रखें, फिर जो हम ये जॉइंट लगाएंगे इसको भी रख के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने बाजू की भी कटिंग कर ली है। दोनों बाजू मेरी इसमें निकल गई हैं।
अब हम आई के लिए पट्टी काटेंगे। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके हम ब्लाउज में से आई की पट्टी निकालते हैं और जो अस्तर में से हुक की पट्टी निकालते हैं। देखिए इस तरह से मैंने आई की पट्टी निकाल ली है। अब हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाएंगे तो उसके लिए और एक पट्टी काटेंगे। पहले हम इसको तिकोना करके रख देंगे, फिर यहाँ से हम इसकी एक और पट्टी निकाल लेंगे। अब देखिए अब जो ये हमारे ये बीच में है इसकी भी यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने ये उरी पट्टी की कटिंग कर दी है। ये मैंने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट और बैक पार्ट है, ये बाजू है, ये उरी पट्टियां और ये हुकाई के लिए पट्टी काटी हुई है। इससे मेरे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।